फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पहले जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसे डिस्कस कर लेते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने LCA तेजस की सेकेंड प्रोडक्शन लाइन को इनॉग्रेट कर दिया है। तो चीज़ें जैसे प्लान करी गई हैं अगर वैसे चली तो जो 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर का प्रोडक्शन प्लान किया गया है उस टारगेट को अचीव किया जा सकेगा। तो HAL अपने प्लान के हिसाब से चल रहा है और अभी तक जो चीज़ें प्रोजेक्ट करी गई हैं वो काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आती हैं। बाकी कल यानी कि 3 फरवरी को ऐसा प्लान किया गया है कि जो 83 तेजस Mk1A की डील है उसको साइन किया जाएगा। बाकी यहां से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो कैट्स वॉरियर सिस्टम को अनवील किया गया है। तो ये एक्चुअली लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगता है X-58 वैल्करी से। साइज में ये वैल्करी से थोड़ा बड़ा हो सकता है और इसमें 2 इंजन लगेंगे। तो अभी तक जो स्पेकुलेशंस चल रहे हैं उनके हिसाब से ये दोनों इंजन STFE-25 हो सकते हैं, जो कि दोनों इंजन मिलाकर करीबन 50 किलोन्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम होंगे। जो इसकी मैक्सिमम स्पीड एस्टीमेट करी जाती है वो हायर सबसोनिक या फिर लोअर सुपरसोनिक हो सकती है, यानी कि Mach 1 के आसपास की। तो एक वीडियो अपलोड किया गया था HAL टेस्ट पायलट हर्षवर्धन ठाकुर सर की तरफ से, जहां पर एक सिमुलेटेड फ्लाइट दिखाई गई थी ड्रोन्स की और वहां पर जो स्पीड इंडिकेट करी गई थी वो करीबन 0.5 मैक की थी। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनका पॉसिबल रोल क्या है और इनसे फ़ायदा क्या है। तो पॉसिबल रोल को समझने के लिए थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो जितने भी एयर टू एयर किल्स अचीव करी गई हैं, चाहे पाकिस्तान की साइड की हों चाहे इंडिया की साइड की हों, उसमें से जो मैक्सिमम किल्स हैं वो तब अचीव करी गई हैं जब एक एयरक्राफ्ट ग्राउंड अटैक रन के लिए आया हो अपने पेलोड के साथ, या तो वो पेलोड गिराने वाला हो या तो वो पेलोड गिरा के वापस जा रहा हो। तो जब ग्राउंड अटैक के लिए एक एयरक्राफ्ट जाता है तो उसमें हैवी म्यूनेशंस लगाए जाते हैं, यानी कि जो पेलोड होता है वो हैवी होता है और वो डॉग फाइट्स के लिए या एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए आइडियल सिचुएशन नहीं होती है। तो उस समय अगर आपका सामना दूसरे एयरक्राफ्ट से हो जाए जो कि एयर टू एयर मिसाइल से लैस है, तो आप एक बड़े डिसएडवांटेज में रहते हैं और आपको हिट करना इजी पड़ जाता है। तो जिस चीज़ को अचीव किया जाना है वो ये है कि जो ग्राउंड अटैक्स हैं उनको ड्रोन्स के द्वारा कराए जाएं, ताकि जो प्रीशियस लाइफ है वो बच सके। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो ड्रोन्स हैं वो सस्ते होने चाहिए, ताकि अगर डैमेज हो या डिस्ट्रॉय हो तो उतना ज़्यादा नुकसान ना हो जितना होता है एक फाइटर एयरक्राफ्ट के डिस्ट्रॉय होने पर। साथ ही साथ ये जिस फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ फ्लाई कर रहे हो उसे भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, यानी कि अगर उसकी तरफ मिसाइल लॉन्च होती है तो ये अपने आप को मिसाइल के आगे करें और एयरक्राफ्ट को प्रोटेक्ट करें। तो इनके 2 रोल हैं, जिस एयरक्राफ्ट के साथ फ्लाई कर रहे हैं उन्हें बचाना और ग्राउंड अटैक को परफॉर्म करना। तो इनका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी स्टेल्दी भी रखा गया है ताकि रडार क्रॉस सेक्शन लो रह सके, और जो क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन है उनके लिए ये एक आइडियल चॉइस निकलकर सामने आए। साथ में ये सिचुएशनल अवेयरनेस को भी बेटर बनाने में हेल्प करे, जैसे कि ये अगर मदरशिप के काफ़ी आगे फ्लाई करता है और अपने रडार को यूज़ करते हुए एनिमी को पहले ही देखने में सक्षम होता है, उस डेटा को ये वापस अपनी मदरशिप पे, यानी कि जिस फाइटर एयरक्राफ्ट में बैठकर पायलट इन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा है वहाँ पर उस डेटा को वापस भेज सके, ताकि जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो काफ़ी अच्छी हो और आगे के जो फैसले हैं उनको लेने में ये काफ़ी मददगार साबित हो। तो ये एक फाइटर एयरक्राफ्ट की जो कैपेबिलिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देगा और इवन एनिमी द्वारा उसे डिस्ट्रॉय करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी खड़ी करेगा। साथ में ये एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इनका जो प्राइस है वो एक फाइटर एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में काफ़ी कम होने वाला है। तो फ्यूचर में ग्राउंड अटैक के लिए आपको ऐसे ही ड्रोन नज़र आएंगे, स्पेशलाइज्ड फाइटर एयरक्राफ्ट ग्राउंड अटैक रोल के लिए नहीं होंगे। बाकी इस ड्रोन के साथ एक और ड्रोन नज़र आ रहा है जो कि देखने से एयर लॉन्च्ड वेरिएंट लगता है, तो ये एक सुसाइड ड्रोन हो सकता है या फिर इसे क्रूज मिसाइल भी कह सकते हैं। बाकी जो क्लैरिटी है इन सिस्टम में वो कल के बाद ही पता लग पाएगी। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।